साथ मौजूद है एक ऐसी हस्ती जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। एक्शन में आपको ये हमेशा नजर आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूबे के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की, जो कभी तालाबों में, कभी नालों की सफाई करते हुए, बिजली के खंभों पर चढ़कर, कभी लटकती तारों को देखकर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए आपको नजर आते हैं। कुल मिलाकर जनता के लिए काम करते नजर आते हैं, जनता की बात करते नजर आते हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनको मैं अपने पैनल के लिए इनवाइट करूं, लेकिन उससे पहले एक और ख़ास मेहमान जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, लोकेंद्र सिंह राजपूत। आप बीजेपी के नेता हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वरदान बायोटेक लिमिटेड उज्जैन, युवा उद्योगपति हैं, समाज सेवा के लिए लगातार आपके द्वारा उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं। अपने इस पैनल को इनवाइट करने से पहले मैं लोकेंद्र सिंह राजपूत के बारे में कुछ झलक आपको विजुअल्स के माध्यम से दिखाऊंगी, एवी प्रेजेंटेशन के जरिए किस तरीके से लोकेंद्र सिंह राजपूत साहब कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से समाज की बेहतरी के लिए लगातार उनके द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं ग्वालियर की बेहतरी के लिए, वो हम आपको बताते हैं इस झलक के जरिए। सामान्य परिवार में जन्म, लेकिन सपने शुरुआत से ही आसमान छूने के थे। मुरैना मध्य प्रदेश के रहने वाले लोकेंद्र सिंह राजपूत अपने बुलंद इरादों की बदौलत आज कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। वरदान बायोटेक के डायरेक्टर लोकेंद्र सिंह राजपूत का सफरनामा आसान नहीं था, लेकिन इनका हौसला ही था जो कभी टूटा नहीं। सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरुआत कर आज इन्होंने अपनी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है। व्यवसायिक क्षेत्र हो या सामाजिक योगदान की बात, लोकेंद्र सिंह राजपूत का व्यक्तित्व हमेशा प्रेरणा देता रहा है। तो लोकेंद्र सिंह राजपूत के बारे में अभी आपने जाना किस तरीके से समाज की बेहतरी के लिए वो लगातार कार्य कर रहे हैं। मैं सबसे पहले इस पैनल को आगे बढ़ाने के लिए अपने सहयोगी मृदुल शर्मा को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी। मृदुल आगे आएं और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। इसके अलावा मैं अपने दोनों खास मेहमानों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, मंत्री इन एक्शन प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगी, कृपया आप मंच पर आएं और कई सारे ऐसे सवाल, क्योंकि आम जनता के जहन में कई सारे सवाल हैं बिजली को लेकर, ये हम मंत्री जी से जानने की कोशिश करेंगे, जवाब लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं इन्वाइट करना चाहूँगी लोकेंद्र सिंह राजपूत को, समाज सेवी हैं, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वरदान बायोटेक लिमिटेड उज्जैन के जरिए लगातार कार्य कर रहे हैं। मैं आपको भी मंच पर इनवाइट करूंगी और इस सेशन को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले मैं अनुरोध करूंगी हमारे मैनेजर सेल्स ZMPCG आनंद जैन जी को, कृपया आप मंच पर आएं और हमारे इन दोनों मेहमानों का, इन अतिथियों का बुके देकर स्वागत करें, गुलदस्ता भेंट करके स्वागत करें, क्योंकि लगातार ZMPCG की कोशिश होती है कि आम जनता से जुड़े जो भी सवाल होते हैं वो हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर रखें। तो ऐसे में इस पैनल के ज़रिए हमारी कोशिश होगी कि आम जनता से रिलेटेड जो भी उनके जहन में जो सवाल है बिजली को लेकर, समाज सेवी से भी हम सवाल पूछें किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। ऐसे में दोनों मेहमानों का स्वागत, हमारे मैनेजर सेल्स आनंद जैन, कई सारे ऐसे सवाल जिसका इस मंच से, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस मंच से जवाब लेने की कोशिश हमारी होगी, क्योंकि आम जनता के जहन में ऐसे कई सारे सवाल हैं, खास तौर पर बिजली को लेकर। तो हम कोशिश करेंगे कि ऊर्जा मंत्री के जरिए हमारे इस लाइव सेशन में, हमारे इस प्लेटफॉर्म से तमाम जनता के जो सवाल हैं वो यहाँ पर उसके जवाब दें। इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं अनुरोध करूँगी अपने सहयोगी मृदुल शर्मा से। मृदुल, धन्यवाद प्रिया, सभी का बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के विकास की बात लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कर रहा है और हर शहर जाकर हम पहुंचते हैं, किस तरह से विकास हो रहा है, उद्योग किस तरह से स्थापित हो रहे हैं, प्रदेश में किस तरीके से रोजगार के नए नए प्रयास किए जा रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर हम हर शहर में पहुंचे हैं। और आज हम मौजूद हैं ग्वालियर में, जो दिल्ली के बहुत करीब है, भोपाल से भी दूरी कम नहीं है। और यहाँ प्रदेश सरकार ने बहुत सारे काम करने के लगातार प्रयास किए, जनता ने भी उसी तरीके से समर्थन दिया, बहुत सारे मंत्री दिए, उन्हीं में से एक हमारे साथ मौजूद हैं, ग्वालियर से ही आते हैं, लगातार जनता के बीच में रहते हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी। चर्चा की शुरुआत में आपसे ही शुरू करना चाहूंगा, और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है इस वक्त प्रदेश में, देश में, वो है कोयले का।
और आपसे जब सवाल किया गया था तो आपने कहा कि कोयले की कमी अगर होगी भी तो हम उसे पूरा कर देंगे, अगर समस्या होगी भी तो हम उसका निदान कर देंगे। अभी मौजूदा स्थिति है क्या? आज प्रदेश आपको सुन रहा है, देश की जनता जानना चाहती है। मैं आदरणीय मृदुल जी, आपने आम जन से जुड़े हुए विषय पर चर्चा की शुरुआत की है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, मैं पहले दिन ही ये कहा कि कोयले का स्टॉक कंपनियों में जहाँ हैं वहाँ पे कम है, परंतु हमने समय रहते हुए निर्णय लिया, 8 लाख मैट्रिक टन कोयला की ढुलाई का टेंडर किया, 4 लाख मैट्रिक टन की ढुलाई का टेंडर किया, और प्रदेश सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने ये बैठक कर निर्णय लिया कि पैसे की वजह से कोयले के लिए कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। और उसका परिणाम ये निकला कि आप ये देखिए कि हमने आज की डेट में लगभग पिछले महीने 350 रुपये कोयले के लिए दिए, 350 करोड़, इस वर्ष भी अभी लगभग हम 200 करोड़ रुपए का भुगतान कोयले के लिए कर चुके हैं। और प्रतिदिन हमारी जितनी बिजली की आपूर्ति है उतनी हम खपत, उतनी बिजली प्रदान कर रहे हैं। कोई मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां बिजली कटौती नहीं हो रही है, किसानों को हो 10 घंटे बिजली मिल रही है, उद्योगों को बिजली मिल रही है और घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मिल रही है। प्रदेश के, देश के अन्य प्रदेश देखो, राजस्थान देखो, अन्य जगह देखो, बिजली कटौती हो रही है जी। कहीं ना कहीं ये सरकार का मैनेजमेंट है व्यवस्था को ठीक करने का, तो उसके लिए हमने जो कोयले की ढुलाई के लिए जो टेंडर किए, और हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन, मैं खुद ऊर्जा मंत्री हूँ, मेरी लगन और हमारे प्रमुख सचिव, हमारे एमडी जनरेशन, चाहे एमडी हमारे लोग हों, उन सब लोगों ने मिलकर के तय किया कि आम उपभोक्ताओं की संतुष्टि, एक जरूर समस्या, एक से संतुष्टि हमारी संतुष्टि है। और हमने आज हमको कल जैसे 10 रैक आई, लगभग हम डेली हमको कोयला मिल रहा है, इससे हम रोज की पूर्ति कर रहे हैं, और लगभग हमारे पास 2.5 लाख मैट्रिक टन कोयला स्टॉक में है। और हमारी ये कोशिश है कि आज की डेट में जितनी बिजली की आपूर्ति है उतनी हमारी इकाइयां चलें। अगर कोयला अगर हमको ज्यादा मिलेगा तो थोड़ा सा स्टॉक होगा, जैसे ही हमारी मांग बढ़ेगी रबी में किसानों के लिए, वैसे ही हमारी जो जनरेशन की और कंपनियां हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी से चलना शुरू करेंगी, उस समय कोयला ज्यादा लगेगा। ये हमारा लक्ष्य है, आज हमारी मांग कम है तो हम उतने कम इकाइयों को। थोड़ी सी शिकायत जरूर आई थी मंत्री जी किसानों की, और हम लगातार हर क्षेत्र में जाते हैं तो किसानों का कहना है कि बिजली जो पहले मिल रही थी उसमें थोड़ी सी कमी आई है, तो क्या इस कमी को जल्द पूरा किया जाएगा? कुछ ऐसे इलाके हैं, देखिए मेरा ये कहना है कि मुझे वो स्थान बताइए 10 घंटे बिजली जहां नहीं मिल रही है, तो मैं उसको चिन्हित करके उसकी जांच कराऊंगा और जो कमी होगी उसको दूर करूंगा। अब एक विस्तृत रूप से कह दें कि साहब कम ही मिल रही है, तो ये तो मुझे भी नहीं मालूम किससे कम मिल रही है। 10 घंटे हमारी तरफ से किसानों को 10 घंटे बिजली दी जा रही है, ठीक है। कोई एकाध पॉइंट ऐसा हो सकता है जहां नहीं मिल रही हो सकता है कि वहां का ट्रांसफार्मर खराबी हो या लाइन की खराबी हो, तो ऐसा होगा उसको हम सुधार करेंगे, ठीक है। ये अच्छी बात है कि आपने कहा कि सुधार आप करेंगे। इससे पहले जब मृदुल ने आपसे सवाल पूछा, आपने डेटा के साथ आपने जवाब दिया, कुछ सवाल पूछा है, पीसीसी चीफ है कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से कुछ सवाल पूछा था, वो सवाल मैं उनको कोट करके कहती हूँ। उन्होंने पूछा कि वर्तमान में प्रदेश में कुल कितनी बिजली की मांग है, कुल कितना उत्पादन हो रहा है, कहाँ कहाँ से किस दर पर बिजली ली जा रही है, देश बड़े बिजली संकट से के मुहाने पर है, और कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कितना उत्पादन है, क्षमता इसकी कितनी है, ये सवाल उन्होंने पूछा है। आपने जो जवाब दिया, हालांकि तमाम चीज़ों का आपने ये किया, इसमें आपकी बात कर, कमलनाथ जी के पास इस समय कोई समय नहीं, काम नहीं, उनको ट्वीट करना है, और काम कुछ होता जनता की वो आवाज बनते, विपक्ष का रोल तो उन्हें अदा करना नहीं है। आप ये देखिए कि जैसे हमारे यहाँ आज की डेट में 10,700, 600, 800, 900
और 11,000 मेगावाट तक की अभी मांग चल रही है, ऊपर नीचे थोड़ा सा चलता रहता है। तो उस मांग के अनुरूप हम अपना सप्लाई कर रहे हैं। सप्लाई में मध्य प्रदेश की जनरेशन की कंपनियां हैं हमारी, हमारे सोलर प्लांट हैं, और हमने जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो NTPC हैं, हमारे प्राइवेट क्षेत्र के जो जनरेशन की इकाइयाँ हैं, उनसे जो हमारा अनुबंध है, उन अनुबंधों से के अनुरूप हम उनसे बिजली ले रहे हैं। ये बात उनको बता देना चाहते हैं। कमलनाथ जी जब 15 महीने मुख्यमंत्री रहे, उस समय उन्होंने कभी विभाग की, ऊर्जा विभाग की समीक्षा नहीं की। उन्हें नहीं मालूम कि ऊर्जा विभाग के उनके मध्य प्रदेश की जनरेशन की, बिरसिंहपुर की, खंडवा की, सारणी की, कौन सी इकाई में कितनी ट्रिपिंग आई, उनका हीट रेट क्या रहा, उनकी ऑयल की खपत क्या रही, ये जानकारी कभी उन्होंने नहीं ली। पर आज की डेट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनके बाद हर महीने मेरी तरफ से ये समीक्षा होती है, और इसका कारण है कि मध्य प्रदेश की जनरेशन कंपनी का हीट रेट कम हुआ है। हीट रेट से मतलब सीधा सीधा हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, ऑयल की खपत कम हुई है, ट्रिपिंग हमारी कम हुई है। बिल्कुल, ये आप ये देखिए, ये मैं आपको पूरी बात बताना चाहता हूँ। पर हम कमलनाथ जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब वो 15 महीने मुख्यमंत्री रहे, जब किसानों को जरूरत थी, जब उनके समय में ट्रिपिंग ज्यादा हो रही थी, तब उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई। एक उदाहरण दूं, जब चंबल में बाढ़ आई थी, तब कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब चंबल में नहीं आए, तब आए थे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, तब माननीय कमलनाथ जी वल्लभ भवन में बैठे हुए थे। आप देखिए समय का पलटा देखिए खाया कैसा, जैसे ही सरकार चली गई फिर दुर्भाग्य से फिर बाढ़ आई तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो घूम रहे थे गली कूचे में, माननीय श्रीमंत ज्योतिराय सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी, हमारे सारे मंत्री गली कूचों में घूम रहे थे। पर वह जनता को भ्रमित करने हवाई पट्टी पे आकर के, अब समय कहां से आ गया जब तुम्हारी कुर्सी चली गई, तो अब भ्रमित करके गुमराह करके जनता को तुम फिर कुर्सी चाहते हो। जब तुम कुछ करने लायक थे तब जनता के बीच नहीं थे, जब तुम किसी लायक नहीं हो तब जनता को गुमराह कर रहे हो। यही काम सिर्फ कमलनाथ जी का है, लोगों को गुमराह करने का। मैं इस पर वापस आऊंगा चर्चा में। हमारे साथ लोकेंद्र सिंह राजपूत जी भी हैं, उनको भी मैं शामिल करता हूं क्योंकि वो भी जनप्रतिनिधि भी हैं और लगातार उन्होंने बहुत काम किया है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वरदान बायोटेक लिमिटेड के। मैं लोकेंद्र जी चर्चा की शुरुआत करूं क्योंकि अभी चंबल का जिक्र हुआ, चंबल में बाढ़ भी आ गई, आप खुद मुरैना चंबल संभाग से आते हैं, लेकिन आज के विकास की अगर बात करें हम, तो मुरैना और चंबल को आप कहाँ पाते हैं, कहाँ पर ये खड़े हुए हैं? सबसे पहले आपको शुभकामनाएं इस कार्य के लिए, और एक सामाजिक पहल जीनियस के द्वारा मध्य प्रदेश की बात ग्वालियर से की जा रही है। जैसा कि आपने बताया, निसंदेह मेरा मूल स्थान मुरैना जिला रहा है, और चंबल और ग्वालियर अंचल शुरू से ही एक विकास की नई परिभाषा लिखता आ रहा है। आप देखेंगे ग्वालियर मध्य प्रदेश के गिने चुने शुरू के 2 या 3 शहरों में आता है, जहाँ पे सारी सुविधाएं इंडस्ट्रीज के रूप में, पर्यटन के रूप में, आपको ट्रांसपोर्टेशन के रूप में ग्वालियर से आपको हमेशा मिलेंगी। अभी जैसे हमारे जो जननायक है श्रीमान ज्योतिराय सिंधिया जी, जब से उड्डयन मंत्री बने हैं, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री संभाला है, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर हैं, शिवराज जी हैं, लगभग 400 फ्लाइटें उन्होंने पूरे देश को प्रदान की हैं, लगभग दर्जनों फ्लाइटें अभी मध्य प्रदेश को उन्होंने दी हैं। आप देखने जा रहे हैं एक बड़ा टर्मिनल, नया एयरपोर्ट 500 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है ग्वालियर में। आप देखिए अभी मंत्री जी ने उद्घाटन किया था उसका बातचीत में, कि जो हमारी सुवर्ण रेखा है उसके ऊपर से एलिवेटर रोड जो बनने जा रहा है, वेस्टर्न हाईवे जो बनने जा रहा है उसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज, जैसे हमारे यहाँ बानमोर और मालनपुर दो एक बड़े इंडस्ट्री जोन हैं, उनका पूरी ताकत के साथ माननीय शिवराज सरकार जी के द्वारा, नरेंद्र जी के द्वारा
श्रीमान ज्योतिराय सिंधिया जी के द्वारा और हमारी लोकल लीडरशिप जो पूरा टीम के रूप में काम कर रही है उनके द्वारा एक पूरा परिमाप एक तैयार करके एक मैप तैयार करके रोड मैप तैयार करके कार्य किया जा रहा है, क्रियान्वयन किया जा रहा है। आप देखेंगे अभी दो दिन पहले श्रीमान सिंधिया जी ने बैठक ली कि मुरैना और ग्वालियर को कैसे एक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया जाए। हर प्रकार के कार्यों की यहाँ पर समीक्षाएँ हो रही हैं और आने वाले समय में ये ग्वालियर संभाग, चंबल अंचल, मध्य प्रदेश की जो आपका आज तर्क है, आपकी जो बातचीत है कि मध्य प्रदेश की बात ग्वालियर से, आप देखिए कुछ ही समय में ये ग्वालियर जो रीजन है इससे सार्थक करते नज़र आएगा आपके इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को। और जो लोग हम लोग यहाँ पर अपने बातें कर रहे हैं वो आपको धरातल पर देखेंगी, क्रियान्वयन होते हुए देखेंगी। शुरू से ही जब आप देखेंगे एजुकेशन के सेक्टर में तो ग्वालियर हमेशा ऊपर रहा है। आप मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, अभी एक नया मेडिकल कॉलेज हम लोगों को मिलने जा रहा है, जो पहले ज़मीन पड़ी थी मैक हॉस्पिटल की, वहाँ पर 1000 बेड का एक नया मेडिकल कॉलेज यहाँ खुलने जा रहा है। काफ़ी सारी विकास की बातें की जा रही हैं, जो हमारा माधव नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क है, उसमें कैसे टाइगर लाए जाएँ, वन्य प्राणी लाए जाएँ और उसके माध्यम से पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उस पर काम कर रही है सरकार हमारी जी। तो जो पूरी टीम है, श्रीमान सिंधिया जी, शिवराज जी, बीडी शर्मा जी, नरेंद्र जी और जो सभी लोकल लीडरशिप है, वो लोग मिलकर के कि वाकई में कैसे ग्वालियर को और चंबल को विकसित किया जाए हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, इवन इन पर्यटन के क्षेत्र में हो। आप देखेंगे कि ग्वालियर एक ऐसा शहर है मुरैना जो ट्रांसपोर्टिंग बहुत अच्छी है। जब भी कोई इंडस्ट्री आती है, जैसे मैं खुद एक इंडस्ट्रियस्ट हूँ, तो पानी, बिजली, सड़क एक मेन हमको भी चाहिए होता है, खासकर ट्रांसपोर्टेशन। तो आप देखिए नेशनल हाईवे पर हम लोग रहते हैं, ग्वालियर NH3 पर बसा हुआ है, मुरैना NH3 पर बसा हुआ है, दिल्ली, भोपाल, मुंबई जो बड़े औद्योगिक नगरी हैं वो डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, इंदौर डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो ये एक बड़ा लाभ है, तो उसी लाभ को हम लोग कैसे अपने लाभांश के रूप में, अपने रोजगार के रूप में यहाँ के युवाओं को दे सकें, उस पर पूरा एक रोडमैप तैयार हो चुका है और अगले कुछ महीनों में, वर्षों में आपको वो पूरा क्रियान्वयन देखने को जमीन पर मिलेगा। हम उम्मीद करेंगे कि सबकी सहभागिता से कल ग्वालियर का बहुत सुनहरा हो। मंत्री जी, एक और सवाल आपसे। इस वक्त जो स्थितियाँ हैं कोयले को लेकर, आम जन जन के जहन में कई सारे ऐसे सवाल हैं, लेकिन एक सवाल ये भी होता है कि बिजली के उत्पादन के लिए कोयले पर इतनी निर्भरता क्यों, जब रीवा पावर प्लांट से हम देश की राजधानी दिल्ली को चला सकते हैं, मेट्रो को चला सकते हैं, तो आखिरकार MP में इसका एक्सटेंशन क्यों नहीं? देखिए, मध्य प्रदेश में सोलर प्लांट से ऊर्जा, पवन चक्की से ऊर्जा, ये कई हमारे प्रयास जारी हैं और अभी हम एक और अपने सोलर प्लांट के लिए नई योजना भी ला रहे हैं कि 1 MW, 2 MW के छोटे छोटे सोलर प्लांट लोग अपने यहाँ स्थापित कर सकें, ये प्रयास हमारा है। देखिए, इस समय आपको मैं बताऊं कि सोलर ऊर्जा हमारा दिन में काम करेगा। कभी कभी होता है कि बरसात आ गई या आ गई, इससे कभी आपने देखा हो कि एक बार बीच में अभी मध्य प्रदेश में 2 दिन के लिए लाइट की थोड़ी सी समस्या आई जी। क्या होता है कि सोलर प्लांट पे अगर प्रकाश पूरा ऊर्जा का नहीं मिला तो उतना मेगावाट उत्पादन में एकदम कमी आएगी। तो हमको इन चीज़ों का भी बैलेंस रखना है। अगर बरसात हो गई, बादल छा गए, तो थर्मल पावर का तो उत्पादन सुनिश्चित हमारे हाथ में, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए अभी हमको दोनों चीज़ों को मिक्स, थर्मल, पवन चक्की और क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, उस पर हमें चिंतन करके उस तरफ भी बढ़ना है तेजी के साथ। मध्य प्रदेश बढ़ रहा है और हम थर्मल, एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल और है, महंगे बिल को लेकर। महंगे बिल का मुद्दा विपक्ष बहुत बता रहा है कि जब से मध्य प्रदेश में सरकार बदली है बिजली भी काफ़ी महंगी हो गई है। आप ये देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कहना बहुत आसान है, 15 महीने के शासन में बिजली की दरें निर्धारित करता नियम आकाई हो, कितनी दरें बढ़ी और अभी 15 महीने में कितनी बढ़ी है, उनका मूल्यांकन कर लें। अभी 0.06 हमारी बिजली की बढ़ोतरी हुई है, सबसे कम 10 साल
मैं सबसे कम बिजली की कीमत के दाम बढ़े, आप एक बात ये कन्फर्म कर लें। दूसरा मेरा कहना है कि देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो अपना 21,000 करोड़ रुपए सब्सिडी पे खर्च कर रहा है, 5,000 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे रहा है और 16,000 करोड़ रुपए किसानों को बिजली उत्पादन कर रहा है, बिजली दे रहा है। जैसे एक गरीबी को गरीब को बिजली 100 यूनिट में 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, तो एक 100 यूनिट बिजली में लगभग 650 रुपए का बिल आएगा, उसमें से वो 100 रुपए देता है तो 450 रुपए 475 रुपए मध्य प्रदेश की सरकार उस व्यक्ति को सब्सिडी देती है। किसान को 1 रुपए की जब बिजली देते हैं तब 92 पैसे प्रदेश सरकार सब्सिडी देती है और 8 पैसे किसान देता है। तो इतनी सस्ती बिजली देश के कौन से प्रदेश में मिल रही है, ये जरा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जरा जिन स्टेटों में कांग्रेस की गवर्नमेंट है जरा जाके देखें कि राजस्थान में क्या स्थिति है, जाके देखें पंजाब में दोपहर के बाद एसी बंद कर दिए जाते हैं ऑफिस के, आप छत्तीसगढ़ में देखें। तो मेरा कहना है कि हम उंगली उठाएं पर 3 उंगली खुद की तरफ भी उठाई है, इसलिए कहने से पहले चिंतन करें फिर बोलें। ठीक है, और हमारे माध्यम से आपकी बात ही जरूर पहुंच रही होगी। लोकेंद्र जी, एक सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि अभी हमने बात किया कि कैसी स्थितियां इस पूरे संभाग में रहती हैं, एक और स्थिति हमने कोरोना के दौरान देखी, और क्योंकि आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, ऐसे में आपकी जिम्मेदारी कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है, कैसे इस दौरान आपके सामने चैलेंजेस आए और उनको पाटने के लिए आपने क्या कदम उठाए? निसंदेह अभी विगत 2 वर्षों में हम लोग कोरोना नामक एक महामारी से, वैश्विक महामारी से गुजरे हैं, और केवल हम नहीं सारा विश्व इससे गुजरा है। और जिस प्रकार से समाज जन के सहयोग से शासन के निर्देशों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा, हमारे पॉलिटिशियंस के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा और लगभग मीडिया के द्वारा जिस प्रकार से इसमें सहयोग किया गया है और परिपालन किया गया है निर्देशों का, आज उसकी देन है कि हम लोग स्वस्थ हैं, यहाँ पे सुरक्षित हैं। और इस प्रकार की जब जब महामारियाँ आती हैं तो व्यक्ति विशेष, समाज विशेष और हर व्यक्ति का ये एक कर्तव्य दायित्व बनता है कि हम कैसे इससे पार पाएँ, और ना केवल ये मेरे लिए बल्कि समूचे विश्व के लिए, समूचे संप्रदाय मानव जाति के लिए खतरा है। तो मानव जाति पर जब कोई इस तरह की बात आती है तो हम हिंदुस्तानी होने के नाते, भारतवंश होने के नाते, एक मानव होने के नाते हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम शासन के निर्देशों का पालन करें और जहां पर भी चूक हुई है या जहां पर भी ऐसा लगता है कि यहाँ महामारी के फैलने की आशंका है, हम पूर्णतः निर्देशों का पालन करें, अपने आप में भी बंदिशें लाएं। जैसा कि हमने देखा कि लॉकडाउन लगे, हम लोग भी अपने द्वारा, जैसे हम लोगों ने उज्जैन में, ग्वालियर में, मुरैना में कई सारे संगठनों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी, सामाजिक सरोकार के माध्यम से भी इस प्रकार के कार्य किए, लोगों को राशन प्रदान किए, 1,000 परिवारों को हमने उज्जैन में राशन दिया, उज्जैन कलेक्टर साहब को हम लोगों ने सहयोग राशि प्रदान की राहत सामग्री के लिए। हमारे यहाँ जो कर्मचारी बंधु थे या जो बाहर से अदर स्टेट अदर राज्यों से जो लोग कार्य कर रहे थे, उनको उनके गंतव्य स्थान पर कैसे पहुँचाया जाए, उनके घरों तक सुरक्षित कैसे पहुँचाया जाए, ये लोग हम लोगों ने किया। लेकिन फिर हम शाबाशी देंगे या वाहवाही नहीं देंगे, लेकिन एक जो अच्छा काम होता है उसकी हमेशा प्रशंसा करना चाहिए। आप दोनों राजनीति से जुड़े रहे हैं और जनसेवा के आपने कार्य किए हैं, लेकिन अगर मैं मुरैना की विशेष तौर पर बात करूं तो वहां पर कांग्रेस को चुनावों में फायदा हुआ, और आप भी राजनीतिक भविष्य अपना जरूर तलाशते होंगे, अपने आप को कहां पाते हैं, क्योंकि अभी जरूर उपचुनाव चल रहे हैं लेकिन 2023 में चुनाव होने वाले हैं, दोनों पार्टियां दम भर रही हैं। जी हाँ, पिछला जैसे आपने बताया कि मुरैना ग्वालियर अंचल में कांग्रेस को सीटें आई थीं, लेकिन उसका बड़ा कारण था कि उस समय चेहरा जो था श्रीमंत ज्योतिराय सिंधिया साहब थे, अब उनके पास चेहरा, प्रचारक, स्टार आज की तारीख में कोई नहीं है। और यहाँ पर जो श्रीमंत ज्योतिराय सिंधिया जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के सरकार बनाना और उसको कैसे चला सकते हैं वो दिखाया गया, सिखाया गया। अनुभवी मुख्यमंत्री हैं हमारे पास, बहुत ही तेज तर्रार और कार्यों को पूरा निपुण करने में माहिर प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे पास,
हमारी टीम है, पार्टी का टीम है पूरा, लोग साथ में हैं, लोगों की भावनाएं साथ में हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में काफ़ी उतार चढ़ाव भरे चुनाव होते हैं, हार जीत एक अपना पैमाना तय नहीं करती है, लेकिन लीडरशिप वही होती है जो लोगों के लिए माइलस्टोन रख के जाए, पैरामीटर बना के जाए कि हाँ भाई हम ये कार्य करके जा रहे हैं और आने वाले समय में इस कार्य को क्रॉस करना, इस कार्य को पूर्ण पाना आपके लिए एक चुनौती का कार्य होगा। और ऐसे लीडरों की भारतीय जनता पार्टी के पास कमी नहीं है, एक पूरा टीम है, वो पूरा सभी लोग साथ मिलकर के 2023 में भी कैसे जनमानस के सहयोग के द्वारा, यहाँ की जनता के सहयोग के द्वारा शासन स्थापित किया जाएगा उस पर सभी लोग चिंतन मंथन और कार्य कर रहे हैं। मैं एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगा मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी से, क्योंकि आपके वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, कभी आप सर खंभे पे चढ़ जाते हैं, कभी भैंस को आप टहलाते हुए नज़र आते हैं, तो ये जनसेवा का कार्य है, कभी भैंस को चढ़ाना, कभी अधिकारी को फटकार लगाना, कभी नाले की सफाई करना, इस पर भी निशाना साधते हैं लोग, वो कहते हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। माइक सर, माइक। मृदुल जी, मैं मंत्री के साथ साथ सबसे पहले मैं इंसान हूँ। किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का मैं दोस्त हूँ। जब मैं मंत्री नहीं था तब भी मैं, मेरी दैनिक दिनचर्याएं होती थी और वो दिनचर्याएं आज भी हैं। जैसे आपने कहा कि भैंस, ये बात सही है कि जो बालक 10-11 साल का बालक 3 भैंस लेके और एक उसका बच्चा लेकर के भीड़ में से जा रहा होता है, सामने से मैं देख रहा हूँ उसको 500 मीटर की दूरी से लगातार कि वो परेशान हो रहा है, भीड़ है। मैं जैसे उसके पास पहुँचता हूँ तो मैंने पूछा कि कौन है तुम्हारे साथ, मतलब घर ले जाना है, तो मैंने कहा ये देखा ये बालक परेशान हो रहा है, 10 साल का 11 साल का है, कोई घटना ना घट जाए। तो मैंने ज़रूर उसके पापा से मिलने का निश्चय किया और मैंने उसकी भैंस, उसका सहयोग किया, उसकी भैंस पकड़ी, उसके घर तक लेके गया, उसके पिताजी को कहा क्या ये बताइए कि मैं एक इंसान हूँ, इंसान के नाते से उस, अगर वो बेटा मेरा होता या आपका होता, क्या इंसानियत, जिस, मैं ऐसा मानता हूँ जिसके अंदर मानवता और इंसानियत नहीं है अगर वो मर गई है तो इंसान जिंदा, वो इंसान जिंदा नहीं है, मैं उसको मरे के समान समझता हूँ। तो मैं मंत्री के साथ साथ इंसान भी हूँ, तो जहाँ ज़रूरत मुझे लगती है, जैसे नाले में सफाई, आपके घर में, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी दिन आपके यहाँ घर में पोंछा लगाने वाली बाई नहीं आए उस दिन आप क्या करते हो? आप पोंछा लगाने वाली बाई नहीं आती, अधिकारी को फटकार भी लगाते हैं? नहीं, उस दिन हम घर में पोंछा खुद भी लगा देते हैं। हमारी या हमारी पत्नी सफाई करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये दायित्व तो हमारा है कि ग्वालियर शहर हमारा घर है और ये घर साफ रहे तो फिर हमको जरूरत पड़े तो, गंदगी है तो उसको झाड़ू भी लगानी चाहिए, जरूरत है नाली की सफाई भी कर देनी चाहिए। आज यही कारण है ये ग्वालियर जो शहर में गंदगी में 59वें नंबर पे था, आज वो शहर 13वें नंबर पे आ गया और आने वाले समय में वो 10 रैंक के अंदर आए, ये काम ग्वालियर शहर में आ रहा हो रहा है। और ये जागरूकता जितनी जितनी बढ़ती जाएगी, हमारे लोग स्वयं अपने काम को करने की आदत डालेंगे तो निश्चित रूप से हमारा शहर की प्रगति होगी, हमारे प्रदेश की प्रगति होगी और हमारे देश की प्रगति होगी। बिल्कुल, इसी प्रगति को हम लगातार सोचते हैं कि वो होती रहे क्षेत्रों में, और अगर नहीं होगी तो हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, आपको भी वक्त वक्त पर बताते रहेंगे ताकि आप अधिकारियों को बताते रहें वो अपना काम ठीक तरीके से करें। इस सेशन में आप दोनों ने अपने अपने क्षेत्र के विकास की चर्चा की। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत धन्यवाद आपका।